मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें एवं राष्ट्र के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान महेश शर्मा जी, उपस्थित सभी बंधु भगिनी, स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले बलिदानियों को समर्पित डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स आज मुझे सुपुर्द की गई। मैं इसके संकलन से जुड़े सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। इस 5 खंड की डिक्शनरी में उन वीरों का ब्यौरा है जिन्होंने 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक के कालखंड में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस संकलन में जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इन सब में शहीद हुए वीरों के नाम है। इसके अलावा आजाद हिंद फौज में काम करते हुए शहीद होने वाले अन्य आंदोलनों और संघर्षों में अपनी कुर्बानी देने वाले वीरों के भी नाम इसमें रखे गए हैं। देश के करीब करीब 14,000 शहीद नायकों की जानकारी को इस तरह संकलित करना भारत में अपनी तरह का ये पहला और अनोखा प्रयोग कहा जा सकता है। शहीदों से जुड़ी इस तरह की जानकारी की जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी। इस पुण्य काम में लगे श्रम और समर्पण, इसके लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को बधाई देता हूं। साथियों, आजादी से पहले की तुलना में आज दुनिया का भूगोल बहुत बदल चुका है। देश पर शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी भी कई देशों में बिखरी पड़ी थी। आपने इसे बड़ी मेहनत करके उसको एकत्रित किया, संकलित किया और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब इस संकलन से हमारी युवा पीढ़ी कैसे ज्यादा से ज्यादा परिचित हो इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। कोई भी देश जो अपने इतिहास का, अपने इतिहास को बनाने वालों का सम्मान नहीं करता, उसका भविष्य भी बहुत सुरक्षित नहीं रह जाता। इसलिए आप सभी ने इतिहास को संजोने के साथ ही देश के भविष्य को भी संजोने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बलिदान और योगदान की हर कहानी आने वाली पीढ़ी को बताई जाए, इसलिए उनकी स्मृतियों को सहेजना जरूरी है। इससे न सिर्फ हमारे समृद्ध इतिहास का पता आने वाली पीढ़ियों को चलता है बल्कि राष्ट्र के चरित्र को गढ़ने भी मदद मिलती है। इन प्रयासों से देश को आजादी के मूल्य पता चलता है। आजादी की नींव के निर्माण में कितने लोगों ने बलिदान दिया इसकी जानकारी होने पर, उनसे जुड़े होने पर हमारी आने वाली पीढ़ियों की सोच पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके हर कदम में देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की सोच आती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ऐसे बहुत से प्रयास किए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए बलिदान देने वालों से वो छोड़ेंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे। साथियों, दुनिया के छोटे छोटे देशों में देश पर बलिदान होने वाले वीरों का स्मारक है, सैनिकों का स्मारक है। आजादी के बाद
हमारे देश पर कुर्बान होने वाले सेना के जवानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। इन बलिदानियों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक का लोकार्पण अभी 2 हफ्ते पहले ही करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसी तरह देश भर में हजारों पुलिस वाले शहीद हुए, और मैंने एक दिन लाल किले से कहा था 35,000 पुलिस, लेकिन हमारे जहन में वो चीज आई नहीं, उनके लिए भी एक स्मारक यहां बनाया गया। और ये नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण आज मैं देख रहा हूं कि बहुत राज्यों से लोग आते हैं तो वहां जाते भी हैं। देश का राजनीतिक एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी सोच का परिणाम है। पहले की सरकार के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज के सम्मान में भी उतना नहीं किया गया था जितना होना चाहिए था। हमारी सरकार के दौरान आजाद हिंद फौज सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। लाल किले में उनके स्मृति में एक क्रांति मंदिर की भी स्थापना की गई है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी नायकों के सम्मान में हमारे ही सरकार ने संग्रहालय बनाने का काम शुरू किया है। देश में कई जगहों पर इस पर तेजी से काम हो रहा है, और बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में हमारे देश के जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा रोल था। आपको अगर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो ट्राइब है वहां जाने का मौका मिले तो वहां एक गोविंद गुरु का स्मारक बना है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब बनाया था। उस समय में ये आदिवासी गोविंद गुरु ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, यानी आज भी हमारे रोंगटे खड़े करने वाली घटना है ये घटना है। और आज हर वर्ष वहां मेला लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के जनजातीय समाज के लोग वहां जाते हैं। और उसी में से विचार आया था कि देश में जहां जनजातीय समाज समूह है वहां पर जनजातीय समूह ने आजादी के आंदोलन में क्या किया, तो उसके एक अलग म्यूजियम बनाने चाहिए ताकि अगर उनको ये प्रेरणा मिले कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया था, उसकी अपनी एक ताकत होती है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, बहुत सालों से मैं एक आंदोलन से जुड़ा हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, गुजरात का संतान और इतने बड़े विद्वान थे, स्वामी विवेकानंद जी उनसे विचार विमर्श किया करते थे, उस लेवल के व्यक्ति थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और इंग्लैंड में इंडिया हाउस के पीछे जिनके सुब्ब के दारा थे, वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों ने जिन्होंने स्कॉलरशिप देकर के यूके में पढ़ाया था, और उनकी शर्त रहती थी, लोकमान्य तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को चिट्ठी लिखी कि मैं ऐसे नौजवान को भेजना चाहता हूँ, उनकी शर्त रहती थी कि वो बैरिस्टर बनेगा लेकिन वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान जाएगा, हिंदुस्तान की सेवा। ऐसी वो समझे। अब उनका 1933 में स्वर्गवास हो गया, और वो लिख के गए कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, और देश आजाद होने के बाद मेरे अस्थि हिंदुस्तान में ले जाए जाए, मैं आजाद हिंदुस्तान में मेरे अस्थि जाए, ये मेरी कामना है। हमारा देश का अच्छा होता 1947 16 अगस्त को पहला काम ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो 2003 में मैंने इसका 2001 से शुरू किया। अच्छा था कि अटल जी की सरकार थी तो मैं खुद जाकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेकर के 2003 में हिंदुस्तान लाया, और आज कच्छ के मांडवी में उसे इंडिया हाउस का रिप्लिका बना करके उनका स्मारक बनाया गया है।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसी घटनाएं, और आज हजारों विद्यार्थी वहां जाते हैं, अभी आपने देखा होगा दांडी, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में गांधी के जीवन में दांडी एक बहुत बड़ी घटना है। अभी जो दांडी का स्मारक बना है वो अपने आप में एक यूनिक टाइप वो स्मारक है, और मैं कल मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री मिले थे तो उन्होंने कहा कि डेली 10,000 लोग दांडी स्मारक देखने के लिए आते हैं। अब उनके दिमाग में दांडी क्या था, गांधी जी ने क्या कहे थे, सारे विचार शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए इन सारी चीजों का बहुत बड़ा मूल्य है, और उसी में से मैं मानता हूं ये जो मेहनत आप लोगों ने की है वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखती है, बहुत बड़ा उपयोग है। साथियों, हमारे शास्त्रों में जन्मभूमि को स्वर्ग से बड़ा और भारत को माता के तौर पर बताया गया है। यही सीख हमें अपने सुखों से ऊपर उठकर देश के लिए सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा देती है। यह सीख हमें जन्मभूमि की पूजा करने को प्रेरित करती है, और यही हमारी जन्मभूमि को भारत माता के तौर पर मान्यता देती है। यह भूमि सिर्फ मानव कल्याण नहीं बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार की पोषक रही है। यहां औषधियों से लेकर वनस्पति तक के कल्याण की कामना की जाती है। जिन्होंने इस भूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था वो भी किसी जगत गुरु से कम नहीं थे। इसलिए बलिदानियों का सम्मान और उनकी पूजा भी जन्मभूमि की पूजा से कम नहीं है। इसलिए ऐसी पुस्तक जिसमें सहृदय को नामों का संकलन हो, आदर के साथ ही आस्था को ही जागृत करने वाली है। साथियों, डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स सिर्फ अलमारी की शोभा के लिए नहीं है, इसके लिए और क्या किया जा सकता है उस पर विस्तार से मंथन आवश्यक है। और मेरा आग्रह है कि संकलन अब ज्यादा से ज्यादा कैसे युवा पीढ़ी तक पहुंचे इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, और इस तरह के और प्रयासों के बारे में सोचा जाना चाहिए, और साथ ही कैसे स्कूलों के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में पहुंचे, विद्यार्थी से पढ़ने के लिए प्रेरित हो, इस बारे में विचार करना चाहिए। और जब ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें पढ़ेंगे, इनसे सीखेंगे, तभी हम सभी के ये प्रयास उसकी असली सफलता होगी। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं। अब हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को केस स्टडी के रूप में दे सकते हैं, कोई ये स्टडी करें कि भाई ये 90 साल के कालखंड में किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा आंदोलन करते, उसी पर पीएचडी करें। कोई एक स्टडी करें भी इसमें कृषि जगत का बैकग्राउंड था, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने किया, तो उसकी एक अलग पीएचडी हो जाएगी। महिलाएं कितनी थी, तो इसका हो जाएगा। जिसके फैमिली बैकग्राउंड में एक सामान्य जीवन था, कोई राज परिवार नहीं था, लेकिन कैसे बलिदान दिया। तो अलग 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 विषयों पर हमारी यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी के लिए प्रेरित करें। हमने देखा है कि हमारे यहाँ प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा होगा तो प्रेमचंद के 10 प्रकार के पीएचडी हुए होंगे, तो इस पर भी हो सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी, उसके कारण हमारे गाइड तैयार होंगे, बहुत बड़ा विषय बने। उसी प्रकार से मेरा आग्रह रहेगा कि डिपार्टमेंट भी राज्य सरकारों से संकलन करे, जिनके इसमें गांवों का उल्लेख होगा जहां जन्म हुआ है, हो सकता है सबका उल्लेख न भी हो, हो सकता है अब वो गांव के नाम भी बदल गए हो, लेकिन जहां उनका जन्म हुआ हो और वहां जो भी एक स्कूल हो, वहां उस स्कूल में उस गांव के ऐसे जितने वीर राय हैं उनके नामों की एक सूची दीवार पर लिखी जा सकती है। तो उसके जितने बच्चे आएंगे उनको इतना पता रहेगा कि हमारे यहाँ के ये तीन लोग थे जो 1857 के संग्राम में थे, या दांडी यात्रा में थे, या 42 के संघर्ष में थे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक जीवंत व्यवस्था खड़ी हो सकती है, और इस काम को हम कर सकते हैं, बड़ी सरलता से किया जा सकता है। और भारत के 6 लाख गांवों में 14,000 लोगों के नाम अंकित करना वो कोई मुश्किल काम नहीं है।
और जहां के हो वही, वहां के क्या होगा कि वो ज्यादातर क्या होता है कि जब उसको पर्सनलाइज टच मिलता है कि ये हमारे गांव के थे, तो फिर वो चर्चा का विषय बनता है, फिर हर वर्ष उसकी शहादत के दिन पर कोई कार्यक्रम बन सकता है। अभी मैं जब इजराइल गया था तो हाइफा की लड़ाई जो हमारे लोग लड़े थे, तो वहाँ के मैं हाइफा गया था, वहाँ के मेयर मुझे मिले। अब किसी को पता नहीं था, बिल्कुल गांव शहर की लोकालिटी में खुला चौक पड़ा था और दो तीन कब्र थी, तो उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये वो शहीद हैं जो हाइफा की लड़ाई लड़े थे और हिंदुस्तान के जवान थे। तो उस मेयर ने बड़ी मेहनत की और किया, तो मैं फिर अभी गया तो मैं वहाँ स्मारक बनाया, तो वहाँ की मैं फ़ोटो लेके आया था। फोटो लेकर के आया तो मैंने कहा कि भाई ये जो कुछ उसमें गुजरात के लोग थे, कुछ राजस्थान के लोग थे, अलग अलग जगह के थे, मैंने कहा भाई उनके परिवार को ढूंढो और ये फोटो की कॉपी उनको दीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, उसके जो मेन लीडर थे, जो यहाँ हाइफा चौक है जो तीन मूर्तियां लगी हुई है, कोई परिवार को मैं ढूंढ नहीं पाया हूं अभी तक। मुझे सिर्फ उनको उनके पूर्वजों के इस पराक्रम का, क्योंकि ज्यादातर वो अनमेरिड थे, जवानी में युद्ध में चले गए थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो मैंने अभी भी कोई मिलता है तो मैं कहता हूँ देखो भाई कुछ पता चलेगा क्या, कोई है क्या जो आइडेंटिफाई करता हो, हाँ भाई हमारे कोई पूर्वज थे। कहने का तात्पर्य है कि ये चीजें जोड़नी होती है, लगातार जोड़नी होती है, और वो हम इतिहास के प्रति एक सकारात्मक रुख रखते हैं तब जाकर के संभव होता है। और ये ठीक है कि विचारधाराओं के तराजू में इतिहास को तोलने का एक प्रयास भी चलता रहता है, और उसी प्रयास का परिणाम होता है कि कभी कभी इतिहास को बहुत खरोच आ जाती है, कभी तोड़फोड़ हो जाती है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। मैं मानता हूँ इतिहास को इतिहास के रूप में लेना चाहिए, उसको उसी प्रकार के श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रेरणा देता है। मेरी आज की विचारधारा के बंधनों से मुझे इतिहास को बांधने का पाप नहीं करना चाहिए, मुझे इतिहास को अपने तरीके से ही हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी जाकर के हम दुनिया को दे सकते हैं, हम इसको बदलाव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विवाद चलता रहेगा, शायद दुनिया के हर कोने में भी विवाद चलता रहता है, क्योंकि जो लोग इतिहास बना नहीं पाते हैं वो कभी कभी इतिहास को अपने रंग से रंगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें इतिहास बनाने का सामर्थ्य नहीं होता है। और इसलिए इतिहास को ऐसे रंगों से रंगने के बजाय इतिहास को इतिहास के रूप में स्वीकार करने से शायद हम मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और हमने करता है, आज भी मैंने देखा है, रामायण की चर्चा होगी तो सीता जी को इन्होंने क्यों छोड़ा, उस पर कई ग्रंथ लिखे जाते हैं, लिखने दीजिए ना, लेकिन घटना के संबंध में कोई विवाद नहीं करता है, तर्क देता है कि राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा, तर्क करता है, कोई कहता है अच्छा किया बुरा किया सब करता है, लेकिन घटना को छेड़छाड़ नहीं करता है। मैं समझता हूं कि हर एक का अर्थ निकालना अपने अपनी सोच के अनुसार सब करेंगे, लेकिन इतिहास को रंगों से रंगने से हम अपने ही रंग को खो देते हैं, और जो अपने रंग को खो देते हैं वो कभी मेघधनुष का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आज ये जो रचना कर निर्माण हुआ है, देश के वीर शहीदों का सम्मान करने का संकलित करने का प्रयास हुआ है, जिन्होंने इस काम को किया है वे सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।